वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा एक बैड न्यूज़ है जो कि सभी नीट एस्पिरेंट्स के द्वारा जारी की गई है। अब वो बैड न्यूज़ क्या है, इसके बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन जो है वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नीट से रिलेटेड जो भी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा क्या बैड न्यूज़ जो है वो सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जारी की गई है। तो ये केरल की एक न्यूज़ है जिसमें क्या बोला गया है कि जो केरल है वो अपने MBBS छात्रों को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने में स्पष्ट विफलता के लिए SR मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करना। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने केरल सरकार को संस्था के आवश्यक प्रमाण पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया है। अब पूरा मामला क्या है कि जो SR मेडिकल कॉलेज केरल राज्य में एक स्वयं वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज है और संस्था ने पहले 2016 में MBBS कोर्स के लिए MCA की अनुमति प्राप्त की थी। जो SR मेडिकल कॉलेज है उसने MBBS कोर्सेज के लिए जो अनुमति है MCA से वो 2016 में प्राप्त की थी और इसके बाद उसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण आने वाले वर्षों में मान्यता नहीं मिली। पिछले महीने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्था में प्रचलित घोर कमियों को पाया, जिसके आधार पर उन्होंने केंद्र से इस मामले पर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था। जो मेडिकल कॉलेज पहले भी आरोपों के साथ विवादों में था कि उसके अधिकारियों ने MBBS छात्रों के एक समूह से मेडिकल कॉलेज में सकल कमियों को सार्वजनिक करने का बदला लिया था। अब घटना के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि KUHS ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी और आरोपों को सच होने पर संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। छात्रों ने बाद में अपनी शिकायतों के साथ अदालत का रुख किया था। पीठ ने MCA से यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या मेडिकल कॉलेज में अपनी सुविधाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार किया है। तो हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में MCA निरीक्षण आयोजित किया गया था, जहां मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों ने मूल्यांकन दौरे के दौरान कमियों और कदाचार का उल्लेख किया था। यानी कि स्टूडेंट्स ने क्या है, हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया MCA को कि इसका, इस जो SR मेडिकल कॉलेज है केरल का, उसका पूरा जो है वो निरीक्षण किया जाए। जब MCA ने इसका निरीक्षण किया तो घोर कमियों को यहाँ पे देखने को मिला। उन कमियों की लिस्ट भी आगे प्रस्तुत की गई है, ये वो लिस्ट है जिसमें कमियों को देखने को मिले थे। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट MCA द्वारा जारी की गई थी। अब ठीक है, अब बात क्या आती है कि जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है जिनके हेड है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने SR मेडिकल कॉलेज है उसकी अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया है। अब रद्द तो कर दिया, चलो उसके बाद बात आती है कि उसमें जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे जो कि MBBS कोर्स कर रहे थे, जिनका कोर्सेज अभी कंटिन्यू था, उनका क्या, तो उनको एक अलग कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा उनकी उतनी ही अटेंडेंस के साथ और उतने ही सिलेबस के साथ उनको अलग कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उनके जो मेडिकल कोर्सेज हैं यानी कि MBBS का जो कोर्स चल रहा है उस पर इसका कोई भी प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उनकी उतनी ही अटेंडेंस के साथ उनको अलग कॉलेज में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आपके लिए बैड न्यूज़ कैसे है, क्योंकि आपके मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में एक जो लिस्ट है वो एक मेडिकल कॉलेज कम हो गया है और उसकी जो सीटें थी MBBS की वो भी आपके लिए कम हो गई है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी जो कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई थी सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ पूरी जो न्यूज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या इसको बैन करना, मतलब इसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए था या फिर नहीं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी आप सभी नीट एस्पिरेंट्स की जो राय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या सबकी क्या राय है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।